हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः थर्ड चैप्टर उपभोक्ता संतुलन कस्टमर्स इक्विलिब्रियम के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक उपयोगिता यूटिलिटी। इस टॉपिक पे जो बिंदु पे चर्चा करेंगे, जिस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, वो है उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। और तीसरा पॉइंट, उपयोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। इस टॉपिक पे सबसे पहले मीनिंग पे देखेंगे। जब किसी वस्तु एवं सेवा में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, तो इसे ही उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहा जाता है। मानवीय आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, पानी आदि, इन आवश्यकताओं में मानव भोजन का उपयोग भूख मिटाने के लिए करते हैं, पानी का उपयोग प्यास बुझाने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो आवश्यकताएं हैं, ये मानवीय संतुष्टि को पूर्ति करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो भोजन उस व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। उसी तरह पानी उस व्यक्ति को प्यास बुझाने के लिए उस पानी की उपयोग करना अति आवश्यक है। तो इस तरह से वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, उपयोगिता कहलाते हैं। भोजन मानव के भूख को संतुष्ट कर रहा है, पानी मानव के प्यास को संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से मानवीय जीवन में जितने प्रकार की आवश्यक वस्तुएं अपने जीवन में उपयोग करते हैं, वे सभी आवश्यक वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो उसमें क्षमता होती है, तो वैसे क्षमताओं को उपयोगिता कहते हैं। आगे, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की परिभाषा। प्रोफेसर फ्रेजर के शब्दों में, उपयोगिता केवल इच्छा करना है। यूटिलिटी इज सिंपली डिजायरनेस। प्रोफेसर फ्रेजर के शब्दों में यह स्पष्ट होता है कि उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यानी मानवीय जीवन में उपयोग किए जाने वाले आवश्यकताओं का इच्छा करना ही उपयोगिता है। अर्थात मानव जीवन को निरंतर
चलाने के लिए निरंतर जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिससे मानव की उपयोगिता क्षमता संतुष्ट होती है, तो वैसे वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता को ही उपयोगिता का नाम देते हैं। आगे उपयोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की अर्थ परिभाषा के आधार पे उपयोगिता की पांच विशेषताएं हैं। पहला, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक संकल्पना। यूटिलिटी जो है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, अर्थात पहला विशेषता जो है, पॉइंट नंबर वन, मनोवैज्ञानिक संकल्पना, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा, परिवर्तनशील, फ्लक्चुएटिंग। तीसरा, उपयोगिता एवं लाभदायकता में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। चौथा, उपभोग की तीव्रता में पर निर्भर, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। और लास्ट पॉइंट पांचवा, उपयोगिता व्यक्ति पूरक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। पहला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक संकल्पना, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इस पे चर्चा करते हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो विभिन्न उपभोक्ताओं की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, अतः एक ही वस्तु की उपयोगिता विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न होगी। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यानी मानवीय जीवन में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं की क्षमता को ही उपयोगिता बोलते हैं। आगे है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, उन मानवीय जीवन में उपयोग किए जाने वाले उन विभिन्न आवश्यकताओं को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति उस वस्तु को कम यूज करता है तो कोई व्यक्ति उसे ज्यादा यूज करता है। इस तरह उपभोक्ताओं की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन से वस्तु को हम कितनी मात्रा में अपने जीवन में उपयोग करेंगे। आगे है, एक वस्तु की उपयोगिता विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न होगी। जैसे हम लोग चर्चा किए कि सेम वस्तु, एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति जब यूज करता है, जैसे भोजन भूख मिटाने के लिए करता है, कोई व्यक्ति भोजन की मात्रा अधिक लेता है तो कोई व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए कम लेता है। इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में जिस व्यक्ति का भूख जितनी मात्रा भोजन लेने से संतुष्टि होता है, उस तरह से दूसरे व्यक्ति अपने भूख मिटाने के लिए पहले व्यक्ति से
ज्यादा मात्रा में भोजन लेता है और अपनी भूख की संतुष्टि करता है। तो इस तरह से बोला जा सकता है कि विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न होगी। दूसरा पॉइंट, परिवर्तनशील, फ्लक्चुएटिंग। उपयोगिता परिवर्तनशील होती है। यह व्यक्ति, स्थान, समय, परिस्थितियों आदि के परिवर्तित होते ही परिवर्तित हो जाती है। उपयोगिता एक परिवर्तनशील है। ये समय, मौसम के आधार पे चेंज होता है, बदलते रहता है। जैसे मानवीय आवश्यकताएं भी समय, स्थान और मौसम के हिसाब से आवश्यकताओं में परिवर्तन होती है। गर्मी में मानवीय आवश्यकताएं जो होती है वो गर्म कपड़े का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह ठंडे के दिन में गर्म कपड़ों का उपयोगिता करते हैं। इस तरह से समय और मौसम के साथ आवश्यकताएं भी परिवर्तनशील होता है। फिर आगे है, उपयोगिता एवं लाभदायकता में अंतर। उपयोगिता जो है वो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने की एक क्षमता है, और लाभदायकता केवल मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति, जिन वस्तुओं से किया जाता है उन्हें मानवीय आवश्यकताओं को जो मानव अपने जीवन उपयोग करता है उसमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है। उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंधित है, ना कि मानवीय कल्याण या लाभदायकता से आता है। यदि शराब पीने से मानवीय आवश्यकता संतुष्ट होती है तो इसका आशय यह है कि शराब में उपयोगिता है। आगे, उपभोग की तीव्रता पर निर्भर। चौथा पॉइंट है, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑन कंजम्पशन। किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपभोग की तीव्रता जितनी अधिक होगी वस्तु की उपयोगिता उतनी अधिक मानी जाएगी, और इसके विपरीत भी। जैसे है, उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंधित, यानी जितने प्रकार की मानव अपने जीवन में आवश्यकताएं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है, तो उन सभी वस्तुओं का उपयोग वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। आगे है, उपभोग की तीव्रता जितनी अधिक होगी वस्तु की उपयोगिता उतनी अधिक मानी जाएगी। जैसा पहले हम लोग चर्चा किए कि जिन मानव द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग जितनी अधिक मात्रा में वो अपने जीवन में करेगा, यानी अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जितनी मात्रा में वस्तु का उपयोग है उतनी ही मात्रा उसकी, उतनी ही तेजी से उसकी उपयोगिता उस वस्तु के उपयोग से बढ़ता जाएगा। पांचवा पॉइंट है, उपयोगिता व्यक्ति परक, यूटिलिटी सब्जेक्टिव। इसका तात्पर्य यह है कि उपयोगिता व्यक्तियों की मानसिकता पर निर्भर होती है। अतः एक ही वस्तु की उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ये भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है तो हम लोग सभी जानते हैं। बोलता है, जब कोई मानव अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन की उन सभी आवश्यकताएं वस्तुओं का उपयोग करता है, तो वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं
सेम वस्तु एक ही प्रकार के वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग होगी। जैसे हम लोग कोई अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे व्यक्ति से कम मात्रा में भोजन खाने से मिट जाता है, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो पहला व्यक्ति से अधिक भोजन करके अपने भूख को मिटाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले वस्तुओं को वह मानव जब उस वस्तु का उपयोग करता है और उसकी जब तक आवश्यकताओं की संतुष्टि ना हो तब तक उस वस्तु का उपयोग करते रहता है। इसलिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग मानव अपने आवश्यकताओं में उपयोग करता है तो उससे ये विभिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न उपयोगिता होती है। तो आज हम लोग डिस्कस किए यूटिलिटी पे। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे। थैंक यू।